मोहित शेवानी की राम गाथा में अयोध्या के विध्वंस से पुनः राम मंदिर निर्माण की संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। इस संगीतमय प्रस्तुति में हर वो घटना सजीव हो जाएगी जो अयोध्या और श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी है। इस राम गाथा का आयोजन 7 जनवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में करुणाधाम आश्रम कर रहा है। श्री राम गाथा की प्रस्तुति एक लाइव म्यूजिकल बैंड के साथ होती है। इसमें प्रस्तुतकर्ता मोहित शेवानी अयोध्या और श्री राम मंदिर की पूरी गाथा सुनाते हैं। ये गाथा श्री राम से चलकर श्री लव, श्री कुश से होती हुई वृद्ध बल और वर्तमान में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तक आती है। इस गाथा में अयोध्या पर हुए तमाम हमलों और अयोध्या के रक्षकों की चर्चा होती है, जिसमें हर उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है जो अयोध्या और श्री राम मंदिर से संबद्ध है। श्री राम मंदिर गाथा, इसका उद्देश्य निश्चित रूप से इतना है कि भक्तों के मन में भावों की उत्पत्ति हो, क्योंकि भाव के बिना भगवान मिलता नहीं। और हम सब राम की गाथा तो जानते हैं, लेकिन मंदिर की गाथा हम लोग नहीं जानते। इसलिए प्रयास करें कि आप सब आए, पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लेकर आए और एक बार अवश्य राम मंदिर की गाथा को अवश्य सुने और देखें, क्योंकि वो देखने और सुनने दोनों के लिए है। ये कैसे हमारे राम भक्तों ने बलिदान दिया, अयोध्या ने किस किस राम भक्तों के रक्त को अभी तक सहेज के रखा है, और निश्चित रूप से राम मंदिर की नींव उन्हीं राम भक्तों के रक्त से ही अभिसिंचित हो। इस कथा का आयोजन भोपाल में करुणाधाम आश्रम कर रहा है। इसमें राजा विक्रमादित्य और महा अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर के जीर्णोद्वार, वैरागी साधुओं के संघर्ष, गर्भगृह से रामलला का निकाला जाना, गर्भगृह में रामलला का प्रकट होना, कार सेवा, कोठारी बंधुओं के बलिदान, राजनीतिक उथल पुथल और वर्तमान निर्माणाधीन मंदिर की भव्यता, दिव्यता और उसके पीछे केंद्र और राज्य सरकार के संकल्प का चित्रण किया गया है। जहां एक और ये गाथा श्री राम मंदिर की पूरी कहानी आस्था पूर्वक सुनाती है, वहीं संगीतमय प्रस्तुति इसे और रुचिकर बना देती है। मेरे मित्र और मेरे साथी प्रबुद्ध सौरभ जी ने ये गाथा लिखी है और मैं उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सबके सहयोग से आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ, जरूर आइए। और राम मंदिर का वो इतिहास जो किन्हीं कारणों से हमें नहीं बताया गया, क्या कारण रहे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि वो सच्चाई आने वाली युवा पीढ़ी को पता चले। हमने ये भी प्रयास किया है कि युवा रहे, तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट किया है। शहर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बच्चे भी आ रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आने वाली पीढ़ी को सच बताया जाए। इसलिए भी बताया जाए क्योंकि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये मंच से हम चर्चा करें। निश्चित ही राम का काम है, हम पहली बार कर रहे हैं। ईश्वर करे ये शहर शहर, जगह जगह हो, और काफी शहरों में इसकी तैयारी हो गई है और विदेशों में भी चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत ही जल्दी आपको पूरी सूचना होगी। ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में घूमेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।